अपने अपने माइक्स में बेशक आप अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आपको मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होना है, कुछ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो रहते हैं, तो उम्मीद है कि वो साथ साथ क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे। तो खुदाए बाबरकत के नाम से, वहदा शरीक के नाम से, आप लोगों को उम्मीद है मेरी आवाज़ बेहतर और मुनासिब तरीके से पहुँच रही है। तो सबसे पहले आपको खुश आमदीद कि आप लोग इतनी तवज्जो के साथ और अपनी एक खुदा की तौफीक के साथ इस काम की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। यकीनन एक ऐसा काम जो एक बहुत ही पहले इब्तदाई जुमले के साथ, कि जो फकत खुदा की तौफीक से ही इस काम की तरफ तवज्जो जो है वो इंसान की मबजूल हो पाती। हमारा अमूमी जो तरीकाकार है वो सिखाने के हवाले से, वो और मेरा जो खास तौर पर हस्तनीस के साथ एक रहा है सिलसिला, चूंकि आप जैसे इदारे के नाम से ही आगाह होंगे, इदारा बुराए रिवायती उलूम फनू, तो पेश नज़र ये चीज़ है कि दूसरों के साथ किसी का नाम लिए बगैर या कुछ किसी के साथ कुछ मुसाबकत नहीं है हमारी, लेकिन इतना एक एम ज़रूर है, एक इरादा ज़रूर है, अज़म ज़रूर है कि आज के दौर में जबकि हमारे जितने भी अकवाल और अफ़ाल हैं उनमें क्वालिटी या मेयार या उसकी रूह जो है वो तकरीबन तकरीबन रुखसत हो चुकी है, सबकी कोशिश की कदरदानी के जज्बे के साथ, किसी को समझें कि अब वही मैंने पहले जुमले में कहा कि मुसाबकत या खुद को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर कहना मकसूद नहीं, लेकिन बतौर कुल्ली हम एज एन इंडिविजुअल एक फर्द के तौर पे इस कमी को अपने माशरे में बार तौर महसूस करते हैं। आप लोग इसमें एग्री करते हैं मेरे साथ या नहीं करते, आप लोगों की अपनी भी राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल हम एक इंसानी ज़रूरत को जब महसूस करते हैं तो उसकी कमी या ज़्यादती हमें महसूस होती है। तो इरादा ये है कि रिवायत को और ख़ास तौर पे वो उलूम या फ़नून जो हमारी शिनाख्त हैं, और इसी वजह से ही हमने अपने जब भी ये उलूम और फ़नून हमारे माशरे में अपने अरूज पे पहुँचे तो उस चीज़ को हमारी तहजीब के रोशन दिनों के उनवान से गिना गया। उम्मीद है गुफ्तगू आप पे बोझ नहीं बनेगी और आप उसमें शरीक होंगे, और आपको मैं एक्चुअली बात कुछ कन्वे करना चाहता हूँ। एक तरीका कार है वो आप लोग समझिएगा, और किस तरह से हम चलेंगे वो एक समझें कि जब सफ़र का हम इरादा करते हैं तो उस सफ़र के रास्ते के तमाम असबाब लवाजमात, कहाँ से चलना है, कहाँ पहुँचना है, सफ़र को कैसे तय करना है, किस तरीके से तय करना है, यही ज़रूरियात होती हैं कमोबेश। तो जो पेश नज़र हमारे हैं वो ये है कि कोई भी हम अमूमी तौर पे जो आम तौर पे हमारे यहाँ सिखाने की रविश कायम की गई है उसे हट के उस रिवायती रविश को, ये तकरीबन हर शोबे में ही हस्तोनीस में ये चीज को सामने रखा जाता है, चाहे वो आप फिलॉसफी की क्लास ले रहे हों या किसी भी शोबे में जाएं, तो माशाल्लाह से बहुत डेडिकेशन है। और रिवायत का जब लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ट्रेडिशन को जिंदा रखना उसकी रूह के साथ, ये रूह का लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे आप लोग जिस काम की तरफ मुतवज्जे हुए हैं इसका तो ताल्लुक ही हमारी रूह की जो जितनी भी मद्दोजज़र है उसके साथ है, ठीक है। तो इस सफ़र को आप तय करते जाएंगे और आपको मालूम होता जाएगा कि ये जो मैंने अभी जुमला कहा है इसका हकीकी मतलब क्या है। तो मैं पहली फुर्सत में ये चाहूँगा कि फर्दन फर्दन कुछ आपका तारुफ़ हासिल हो जाए मुझे कि माशाल्लाह आप क्या आपका अशगाल हैं, और कुछ मैं आपके बारे में जान पाऊँ ताकि हम आप इसमें एक दूसरे के साथ फेमिलियर होके थोड़ा सा चलें। तो
तो शुरू करते हैं अब्दुल्ला नवीद से। मैंने मेरा एकेडेमिया से ताल्लुक है, बैचलर्स हिस्ट्री में मैंने किया है, मास्टर्स अभी मुकम्मल किया है रिलीजियस स्टडीज में, और इंशाल्लाह आजकल जुबानें पढ़ रहा हूँ अरबी और फारसी, उसके अलावा PhD इस साल इंशाल्लाह शुरू करने का इरादा अस्सलाम वालेकुम असल। वालेकुम। मेरा नाम शब्बीर है, मैंने बैचलर्स किया कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन में, माशाल्लाह और मैं अभी डिज़ाइनर जैसे काम करता हूँ, तो बस इतना ठीक 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 ही था। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा वालेकुम नाम सर। वलीद है, मैं बाय प्रोफेशन तो अकाउंटेंट हूँ, तो जी प्रैक्टिकल आर्ट्स में ये मेरा आप कह रहे हैं पहला एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन बस जिसका आपने अपनी बात में जिक्र किया कि अब हमारे जो अपनी मशरकी रवायात से एक ताल्लुक है, वो एक ताल्लुक बनाने की एक चाहत है मेरे में, तो ठीक क्योंकि अर्ली एजुकेशन जो है वो सारी ज़्यादातर कह रहे हैं मगरबी मीडिया और मगरबी रवायात में रही हैं, तो अब दिल चाह रहा कि अपनी मशरक की रवायात को भी समझें सीखें जितना समझ सकते हैं। वालेकुम सलाम। सागर है मेरा नाम, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर किया है, और माशाल्लाह अचीवमेंट कोई खास नहीं है, उसके बाद शादी हो गई, टाइम नहीं मिला, बच्चे हैं दो मेरे और अब वो बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। कैलीग्राफी का मुझे बचपन से था शौक, पेंटिंग का, तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला तो आई थॉट कि आपने क्लासेस। मेरे ख्याल में एक पूरी नस्ल को तैयार करना बतौर माँ के, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपके लिए बहुत सी एहतराम है मेरी तरफ से। जी कोई और है हमारे साथ? मेरा नाम आयशा अली है, मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है, और बताती का बचपन से शौक था, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने खुद से सीखने की कोशिश की, और फिर एहसास हुआ कि ये काम उस्ताद के बगैर नहीं, तो अब मौका मिला है कोई सीख। मेरा नाम राफ अहमद है, जी और ठीक सबसे पहले माशाल्लाह। उस्ताद जी मैं तो अफसोस करूंगा, आपकी वालदा का सुना था, जी बस जो खुदा की रजा उनकी जो अल्लाह पाक की मर्जी है, ये तो सिलसिला है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपके जुमलों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो राफेल में मेरा नाम है, और मैंने 2003 में एमसीए से कम्युनिकेशन डिजाइन में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की, और तब से अब तक स्टूडेंट ही हूँ, सीख रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से तो ये सब नेचर सीख रहा हूँ, और अपनी माशाल्लाह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ माशाल्लाह थोड़ा सा UI/UX का काम। तो ठीक आपसे एक दफा मुलाकात हुई थी, तो आई थिंक आज ये मौका मिला है कि आपसे सीखने का मौका मिला। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मेरे लिए ये हमेशा एक ऑनर रहा है। मैंने मेरी जो अपने काम के साथ डेडिकेशन है वो बहरहाल एक उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं हमेशा से अपने आप को इस इल्म मुकद्दस का एक अदना सा खादिम समझता। तो आप लोगों को ये जो तालीम है खत की, ये देना मेरे लिए समझें कि खिदमत है। एक इसको विदाउट एनी डाउट ये एक इबादत का दर्जा है मेरे लिए। ठीक है, तो ये समझें कि बुनियादी तौर पे जो मैं इस पूरी बात जो हम कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ जो हम कहेंगे सुनेंगे, इसमें सिर्फ एक बात को आप पेश नजर रखें कि खुद को किसी ऑर्डनरी एफर्ट के लिए जहनी तौर पे अगर आपके जहन में है यकीनन नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। मैं ये समझें कि हुस्न ज़न रखता हूं कि यकीनन नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी है परसेप्शन बिल्डिंग। आपसे मैंने तारुफ लिया, कुछ अंदाजा हुआ कि आप किस किस बैकग्राउंड से हैं। बाकी आपके अंदर के जहाने कबीर को आप बेहतर जानते हैं।
तो मुख्तलिफ परसेप्शंस के साथ आते हैं स्टूडेंट्स. जितना मेरा इसमें पढ़ाने का, इसको सिखाने का जितना मेरा तजुर्बा रहा है, तो ये रिहर्सल रही है मेरी शुरू से बहुत, कि मैं हमेशा पहले और होना भी यही चाहिए कि पहले हमारे तीन से या दो या तीन कम से कम सेशंस जो हैं वो गुफ्तगु होती है. किस लिए जरूरी है ये गुफ्तगु? किसी भी सफर को जैसे मैंने अभी कहा क्या तय करना है, तो हमें उसके कुछ आगाज सफर और अंजाम सफर से तो आगाह होना चाहिए. और अच्छा, अगर आप लोग गुफ्तगु में मेरे साथ शरीक हों तो ये मेरे लिए सबसे बेहतर बात हो. ठीक, तो अगर हम तन गोश भी रहें तो मुझे फिर भी आपसे उसमें उम्मीद रहेगा कि आप तवज्जो से बात सुन रहे हैं. अर्ज ये है कि परसेप्शन बिल्डिंग जरूरी है, खास तौर पे हम जिस इल्म मुकद्दस के बारे में बात कर रहे हैं. किस लिए जरूरी है? कि मुख्तलिफ सेट्स ऑफ लाइफ से आप लोग आते हैं यहाँ सीखने के लिए. जैसे अभी हमने जब आपसे तारुफ लिया यहाँ पे, हमने आपस में एक तारुफ किया एक दूसरे, तो ये बात है कि मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से आप लोग यहाँ पे आए हैं इस इल्म शरीफ को सीखने के लिए. मैं बकायदा बार बार जो लफ्ज आपके सामने, अभी तक आपने फन खताती का नाम सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे पढ़ के हम इल्म खत, इल्म मुकद्दस, बकायदा एक इल्म है जिसको आप सीखने जा रहे हैं. तो परसेप्शन बहुत जरूरी, परसेप्शन बिल्डिंग बहुत जरूरी है. खुद को आमादा करना और सही तरीके से आमादा करना, इस तरीके से कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसके फलसफे, उसके बुनियादी नजरिए से आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो, तो किसी हद तक आप खुद को जहनी और कलवी तौर पे और रूहानी तौर पे इसके साथ मुंसलिक करें. तो पहली जो चीज़ है, एक तो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मैं कर दूं कि आप अपनी नोटबुक्स अपने पास ज़रूर रखें, और अगर अभी नोटबुक्स प्रॉपर नहीं भी हैं तो एक कागज़ और पेंसिल अपने पास ज़रूर रखें. तो पहली जो सीख, पहला लेसन, पहली चीज़ वो मैं आपको जो एक आयत कुरानी है और इसका जो पहला वबशर साबरी, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा ये कुरान पाक में से आयत में से, कि सब्र करने वालों के लिए बशारत है. तो पहली चीज जो हमें चलते चलते ये कि जो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी वो है पेशेंस, बर्दाश्त, सब्र. ठीक, और इसीलिए खुदा ने, रब ताला ने, वहदहू ला शरीक ने ये बशारत दी है. बशारत की बहुत, मैं कम इल्म आदमी हूँ, इस बारे में ज़्यादा जुबान नहीं खोल सकता, लेकिन बशारत खुदा की तरफ से, रब ताला की तरफ से, वहदहू ला शरीक की तरफ से दे देना. और किस चीज़ के अंजाम में? कि आप पेशेंस के साथ, जो पेशेंस का जो कंटेंट है वो आपकी लाइफ में होता है, ठीक है, तो फिर बशारत है, फिर कुछ खबरी है. तो अजीजान, ये जो परसेप्शन बिल्डिंग है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस काम को सीखने जा रहे हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी परसेप्शन क्या है, क्या है और क्या होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है. आप इसको किस सतह पे देख रहे हैं और किस सतह पे देखना चाहिए, आप खताती को क्या समझते हैं और ये हकीकत में क्या है. ठीक है, हो सकता है कि खुदा की तौफीक से, रब ताला की तौफीक से आप कहीं बेहतर जानते हो, यानी कि फर्क जरूर होता है. और हमें करना क्या है कि उस चीज को डिसिप्लिनाइज करना है, उसको एक यूनिफॉर्मिटी देनी है, एक यूनिफॉर्म नजरिया होना चाहिए हमारा. ठीक है, ये क्यों जरूरी है? हम ये क्यों नहीं कर रहे कि बस पहली क्लास से ही आप आए हैं
और मैं आपको कहूँ कि जी ठीक है, अपनी कलम कागज सीधा करें, एक स्याही की दवात लें और बस शुरू हो जाएं, दैट्स इट, ठीक? नहीं, ऐसा नहीं अजीजान, इसलिए ऐसा नहीं है कि यही बुनियादी तौर पे वो एफर्ट है जिसका हम शिकवा भी करते हैं, जिसके ना होने का हम शिकवा करते हैं, ठीक? और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में, जो क्वालिटेटिव एफर्ट है वो डिक्लाइन की तरफ है, ठीक? क्वालिटी हैज बीन मिसिंग, क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग आई थिंक। तो किस लिए रुखसत हो जाती? इसलिए कि हम चीज़ों को उनकी रूह के मुताबिक हमने करना छोड़ दिया। माजी में हमारी रिवायत क्यों शानदार थी? इसलिए कि उसको खूने जिगर से लिखा जाता था। कोई भी काम था हमारे यहाँ रिवायत में बहुत शानदार माजी है हमारा, बहुत शानदार, जिसे कहते हैं कि रिवायत इसीलिए ना चल के हमारे पास आई, पहुंची। किस लिए पहुंची? उसको इतना जानदार बनाया गया था। जानदार किस तरह बनाया गया था? एक क्वालिटेटिव एफर्ट से, खूने जिगर डाला गया था। आज अगर हम शिकवा करते हैं कि नहीं है, नहीं डाला जा रहा, या इस तरह की एफर्ट नहीं हो रही, तो क्या कोई शक है कि नहीं हो सकती? कोई शक है कि हम एक बीच में कोई गैप आ गया, कोई खलीज आ गई, लेकिन अब से कोई पाबंदी तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते ये कुछ? तो अजीजान, ये इरादा यही है कि हम सबसे पहले जिस काम को करने जा रहे हैं, देखिए वक्त का दूसरा नाम है जिंदगी, और जिंदगी का दूसरा नाम है वक्त। आप लोगों ने अपनी गुनाह मसरूफियात में से अपने अंदर की आवाज पर लबैक कहा, ठीक है? और आप ये यकीनन, ये पहली, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा कि ये फकत तौफीक इलाही है, ठीक है? तो क्योंकि आप किसी भी नेक काम की तरफ तवज्जो आपकी होती है, तो इंसान का अपना कमाल नहीं है, ये खुदा की तौफीक है, ये नेमत है खुदा की। तौफीक खुदा की, खुदा की नेमत है, और उस तौफीक को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये शुक्राने नेमत है। इसको मत समझिए, मैं कुछ डिग्री आप पे नहीं जारी कर सकता, मत समराद आप इसको हुक्मिया लहजे में मत समझिएगा, एक अर्ज आपके साथ कि तौफीक जो है वो इंसान, हम अपनी सोच पे बहुत नाज करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी सोच पे नाज नहीं है, खुदा ताला की जात का शुक्र है। हम जब तक अपने इंटेलेक्ट को बुलंद नहीं करेंगे, बुलंद है तो उसको मजीद बुलंद नहीं करेंगे, और ये आगे से आगे का सफर तय होता जाएगा, तो फिर देखें कि ऐसी एफर्ट शुरू हो जाए तो फिर हमारे मुआशरे में वो ज़हनी और कल्बी कैफियत क्या होगी इज्तमाई तौर पे। अगर इनफरादी तौर पे हर इंसान अपने आप को एक इंतहाई बुलंदी पर रख के सोचे जो भी वो काम कर रहा है। उम्मीद है कि गुफ्तगू मेरी बोझ नहीं बन रही आप लोगों, जरा अपनी मौजूदगी का थोड़ा एहसास दिलाइएगा मुझे। जी शबीर, कुछ बात मैं पहुंचा पा रहा हूँ आप तक? कुछ ये मत समझिएगा यार उस्ताद साहब ने तो आज पकड़ लिया और बस गुफ्तगू शुरू हो गई कुछ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ आ रही है। जी वलीद, आप भी हैं हमारे साथ, शामिल हैं? जी उस्ताद, बिल्कुल आपकी बात से हम यही, मैं तो एटलीस्ट ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं जो आजकल की जिंदगी का, एटलीस्ट मेरे लिए चैलेंज यही है कि जो डिस्ट्रैक्शन, नए दौर की डिस्ट्रैक्शन हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, तो इससे डिटैचमेंट का जरिया इंसान एटलीस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आई होप के जो ये फसाती का इल्म जो है, वो शायद वो डिटैचमेंट और अपनी रूह से कुर्बत का एक जरिया प्रोवाइड कर सके। लाजमन, हतमन इंशाल्लाह, हतमन इंशाल्लाह। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, और ये मेरे, आई थिंक दिस इज द राइट पाथ, ये दिस इज द राइट पाथ। एक शेर के मैं पहले ही अपने सेशन में, इसकी बार बार तकरार भी होती रहेगी, तो चाहता हूँ कि आप लोग लिखें जरा इसको, अगर आप इसको यकीनन समझ रहे होंगे, आप इसको अपने कागज पे उतारिए
और याद भी रखी है। फारसी का शेर है लेकिन ये हमारे इस पूरे जो परसेप्शन बिल्डिंग का एक हमारी गुफ्तगू है इसका ये उन्वान है कि गुयंद के संग लाल शबद दर मकाम सब्र, गुयंद के संग लाल शबद दर मकाम सब्र, आरी वलिक बखूने जिगर शबद। इसका मतलब यकीनन आप जानते होंगे कि समझ में भी आ रहा होगा। गुयान कहते हैं कि संग जो है वो मकाम सब्र पे आके, यानी कि उसकी रियाजत एक पत्थर की दास्तान बयान की जा रही है कि वो जमीन की तह के नीचे उसका एक रियाजत का जो सफर है वो तय करता है हजारों साल, और उसके बाद जाकर के वो एक लाल की शक्ल इख्तियार करता है। दूसरे मिसरे में क्या है कि हाँ पहले में कि गुयंद के संग लाल शबद दर मकाम सब्र, के संग जो है वो सब्र के मकाम पे आके लाल हो जाता है। आरी हाँ होता है वलीक, लेकिन बखूने जिगर शबद, वो अपना खूने जिगर देता है तो लाल बनता है पत्थर से। तो अजीजान जिस काम को आपने इंतखाब किया है अपने, ये आपका शौक है, आपका जुनून है, आपका इश्क है, आपका महज वक्त गुजारी का मामला है या क्या है, ठीक, इसमें से जो भी है, लेकिन बहरहाल इसको हमें एक इसको जो है वो एक बहुत मुनज्जम नजरिए की सूरत देनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिनाइज्ड इसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि ये इल्म इस तरीके से है और हमें इसको इस तरीके से सीखना है। टू बिगिन विद के इल्म खत है क्या, तो हम पहली इसकी अहमियत को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कि तहरीर क्या है, खत क्या है, हम इसको इल्म का दर्जा क्यों कह रहे हैं, इसको एक बाकायदा साइंस के तौर पे क्यों समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोशिश यही है कि आप लोग इसको इस तरीके से ग्रास्प करें कि इसकी बेसिक फिलॉसफी, इसके आइडिया से हम आहंग होके जब आप कलम उठाएंगे, किसी हद तक हम आहंग होके, जाहिर है एक सफर आप तय शुरू करेंगे तो ये सफर आपको इंशाल्लाह ताला अजीज किसी मंजिल पे लेके जाएगा, और आज से एक डेढ़ दो साल के बाद आप यकीनन खुद को किसी जगह पे, किसी अच्छी जगह पे, किसी मंजिल पे खड़ा हुआ देखेंगे। लेकिन ये एक सफर है ऐसा, और अभी राफे कह रहे थे कि मैं अभी तक तालिब इल्म हूँ, तो मैं उनके जुमले में इजाफा करना चाहता हूँ कि खुद को हमेशा तालिब इल्म ही रखिएगा, ठीक है, तो हमेशा खुद को एक तालिब इल्म के तौर पे ही देखना चाहिए इंसान को, और यही उसके लिए बेहतर चीज है। सूरह अलक पहली वही पहला कलाम खुदा ताला का है इंसानियत के साथ। अब देखिए कि पहली वही है, पहला कलाम है खुदा का इंसान के साथ, जो उसका कलाम मुकद्दस है कुरान मजीद की जुबान। इंसान का ताल्लुक किस चीज के साथ जोड़ दिया? इल्म के साथ। इसी आयत, इसी सूरह की तीसरी या चौथी आयत में अल्लम अल इंसान बिल कलम, अभी देखें पहली वही है, और पहली वही में ही इंसान का ताल्लुक खुदा ताला वहदुल्लाह शरीक ने किस चीज के साथ जोड़ दिया? इल्म और कलम के साथ। तो ये समझ लें कि ये तो खुदा ने, देखें अब इसे तो बिना अब कुछ मजीद कहे समझने वाले के लिए बात रोशन और वाजे हो जाती कि इस लिखे गए की और लिखने वाले जो टूल है, जिसे बज़ाहिर में एक टूल समझते हैं, उनका उसकी रूह क्या है, उसका हकीकी कद काट क्या है, ठीक है। तहरीर
इसलिए जरूरी है, इसलिए एक वजूद में आए कि इंसान को पैदा किया खुदा ताला ने। तो अब वो ऐसा नहीं है कि इनफरादी तौर पे वो कहीं अपनी जिंदगी गुजार सके, कि अकेला कहीं गारों में कहीं एक फर्द के तौर पे दूसरे इंसानों से कट के। इंसान को एक माशरती वजूद अता किया गया है कि वो मिल के रहेगा, पहली सूरत में अपने खानदान के साथ, अपने जो खुदा ताला ने जो हमें एक जो डिजाइन दिया है, जो सांचा है हमारी जिंदगियों का, वो यही है कि इमीडिएट जो हमारा सोशल फ्रेम है वो हमारा खानदान है, फिर खानदान इसी तरह करते आगे पूरा माशरा वजूद में आता है। तो आप देखते हैं कि इबलाग के बगैर, कम्युनिकेशन के बगैर इंसान की जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। ठीक, इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बगैर इंसान की जिंदगी का हमें कोई रुख नजर नहीं आता। ठीक, तो ये मुकम्मल एक सफर है जो शुरू होता है और इंसान इशारों की जुबान से लकीरों के, अब इसमें एक मुकम्मल एक हिस्ट्री है इसकी, वो इंशाल्लाह किसी वक्त फिर आपके साथ उसको भी बयान करने की कोशिश होगी, करेंगे इंशाल्लाह, कि लकीरों और शक्लों के दौर से शुरू करके बात फिर पहुंची उन खतूत तक जिनको आज आप देखते हैं, उनकी जो जमालियात हैं उससे मुतासर होते हैं और इस हद तक मुतासर होते हैं कि आप फिर इरादा करते हैं कि इस इल्म शरीफ को सीखा जाए, ये जो एक एस्थेटिकल एंटिटी है इसको मास्टर किया जाए और इसके एस्थेटिक्स को अपने हाथ में ला करके तो इसकी जो रूह है उसको समझ करके मास्टर किया जाए, इसको सीखा है। तो ये एक पूरा सफर है जिसमें मुख्तलिफ अदवार हैं, मुख्तलिफ, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इंशाल्लाह वो सिलसिला चलता रहेगा तो वक्तन फ़क्तन वो चीज़ें आपके गोश गुजार इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा मैं।